जैसा कि मैं आप सभी को हर बार कहता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कह सकते हो। भाई सबसे ज्यादातर जितने मैसेज आए मेरे को सिर्फ यही मैसेज आए कि सर ये बात मैं कैसे पता करूं कि वो लड़की सिंगल है। सर मैं उस लड़की को प्रपोज करना चाहता हूं, मगर सर मुझे इस बात का डाउट है कि वो लड़की सिंगल है या फिर वो मिंगल है या फिर उसका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप लड़की को प्रपोज करते हो, और ये बात तो किसी को भी नहीं पसंद होगी ना कि मतलब मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने ऑलरेडी मुझे बोल दिया आई हैव टू बॉयफ्रेंड, तो मतलब दिल टूट सा जाता है सर। तो इस टॉपिक पर कोई एक वीडियो बनाओ जिससे हम ये बात पता कर सकते हैं कि वो लड़की सिंगल है। तो भाई आज के इस वीडियो को ना भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि यार एंड तक जरूर वॉच करिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। बस भाई थोड़ा सा मिनट चाहिए मुझे आप सभी लोगों का भाई एंड तक वॉच करना। और बस इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर देना, क्योंकि बाद में आप ये करना भूल जाते हो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। क्या आपको पता है फ्रेंड, जो सिंगल टाइप की लड़की होती है ना, वो हमेशा फ्रैंक होकर बात करना चाहती है। वो कभी किसी के सामने डरती नहीं है बोलने से, कुछ भी हो एकदम बिंदास बात कर लेती है। अब वो चाहे उसके फैमिली भी हो आसपास, तो भी वो आपसे बिंदास बिना डरे बात कर सकती है। अगर आप उसे कहीं भी बीच सामने किसी रोड पे भी टोकते हो ना, तो बिंदास आपसे बात कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज का डर नहीं होता, वो बात इस चीज का डर नहीं होता कि कल को अगर कोई मुझसे पूछता है कि वो कौन था, किससे बात कर रही थी, तो नॉर्मली बोल सकती है कि तो फ्रेंड था मेरा, और वैसे भी तुझे तो पता है रिलेशनशिप में मेरे को वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई उसे कई ऐसे फ्रेंड हो गए जो ये बात को जानते होंगे, तो इसे कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं उससे। तो लड़की क्या करती है, एकदम फ्रैंक होकर बात करना समझती है। मगर यही दूसरी ओर अगर लड़की रिलेशनशिप में होती है ना, तो जल्दी वह किसी लड़के से बात नहीं करती। अगर बात करती भी है तो एक आपा एक लिमिट में होकर बात करती है, वो कभी लिमिट क्रॉस नहीं करती है। और कभी जल्दी ओपनली वो बात नहीं करेगी आपसे, ज्यादा मिलेगी झुलेगी नहीं, ज्यादा टॉक अब नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो उसके मन में एक चीज का डर लगा रहेगा कि मतलब अगर मैं इससे बात करूंगी और इसने देख लिया मुझे कहीं, तो कहीं ये मेरे बॉयफ्रेंड को ना बोल दे कि तेरी वाली तो किसी लड़के से बात कर रही थी। और आपको तो पता है ना फ्रेंड, जितना ज्यादा लड़कियां शक करती है रिलेशनशिप में, उतना ही ज्यादा लड़के भी डरते हैं अपने पार्टनर को खोने से। तो भाई लड़की कते भी आपके साथ फ्रैंक होकर बात नहीं करेगी, अगर फ्रेंड वो मिंगल होगी तो। और अगर सिंगल होगी तो एकदम आप खुद समझ जाओगे कि मुझसे इतना फ्रैंक होकर बात क्यों कर रही है, बात बात पर इशारे भी करेगी आपको लाइक कुछ ऐसा। तो ये था पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनर के बताया। बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड, इसमें बताऊंगा मैं आपको चेहरों के रिएक्शन से आप ये बात पता कर सकते हो कि वो लड़की सिंगल है या फिर नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर वो लड़की सिंगल होगी ना फ्रेंड, तो उसके चेहरे का जो रिएक्शन है एकदम नॉर्मल रहा करेगा, और जब वो सिंगल नहीं होगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन नॉर्मल नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, चेहरे का रिएक्शन नॉर्मल क्या कहना चाहते हो आप? तो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अगर उस लड़की का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो लड़की फ्रेंड ज्यादातर अपने फोन में ही चिपका रहा करेगी। जब भी उसके फोन में कोई भी मैसेज आएगा, तुरंत वो घर से बाहर निकल के उसको रिप्लाई करना चाहेगी। ज्यादातर फ्रेंड आपको वो ऑनलाइन मिला करेगी, ज्यादातर वो आपको चैटिंग करते समय, कॉलिंग करते समय, और उसके चेहरे का रिएक्शन एकदम प्यारी वाली स्माइल दे रही होगी वो, उस फोन को देखकर या फिर उस चीज मैसेज को पढ़कर, लाइक कुछ ऐसा फ्रेंड। और यहीं पर जो सिंगल लड़की होती है ना, तो फ्रेंड एक बार ऑनलाइन आएगी, वो देखेगी क्या मैसेज आया, उसको रिप्लाई किया, और फिर उसके बाद ऑलरेडी मतलब जो उसके बाद आराम से वो ऑफलाइन भी हो जाती है। उसे ज्यादातर फ्रेंड उसको फोन उतना पसंद नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड जो ये बाबू सोना जानू मानू होते हैं ना, इनको एक दूसरे से बिना दूर रह पाते नहीं है ये लोग। ये दोनों साथ में हमेशा टाइम स्पेंड करने की ढूंढते रहते हैं वक्त। जैसे कि फ्रेंड आप अगर आप उसे पसंद करते हो, तो आपका दिल कैसा कहता रहता है कि बस इसे दिन भर देखता रहूं, बस साथ दिन भर रहूं, लाइक कुछ ऐसा होता है फ्रेंड। लड़की के साथ भी ऐसा होता है कि लड़की कभी भी मतलब वेट नहीं करवा सकती अपने बॉयफ्रेंड को, कि तुरंत मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई करना जरूरी समझती है, कोई बात हो तो तुरंत उसको वो बात समझाना भी जरूरी समझती है। ज्यादातर वो फोन में ही लगी रहेगी, कभी कॉलिंग तो कभी मैसेज, और हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान सा रहेगा। और जब भी वो कॉलिंग करेगी तो ज्यादा हंस कर बात करेगी, कभी इधर चलती रहेगी कभी उधर चलती रहेगी, मतलब आगे पीछे पैरों से करती रहेगी एक्टिविटी उसकी। आप देखकर ये भी समझ सकते हो कि लड़की का हाव भाव कैसा है। लड़की जब फोन पर बात करती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बात करती है और शर्माती बहुत है, तो फ्रेंड इसका मतलब भी ये कि उसके लाइफ में कोई ऑलरेडी है भाई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये कौन सी बात हुई, तो साइकोलॉजिकल फ्रेंड मैं आपको समझा देता हूँ कि अट्रैक्शन जब किसी से हमें होता है ना, तो दिली दिल हम उसके बाद जब भी करते हैं तो चेहरे पर खुशियाँ आ ही जाती है। जब हम उसको पास देख लेते हैं तो हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली मेरा क्रश आ रहा है, फिर मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, या फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको मैं देख रही हूँ, फिर उससे मैं बात कर रही हूँ, लाइक कुछ ऐसा।
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर मैं लड़की से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता कि मतलब तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है, और लड़की मुझे जवाब भी दे देगी। तो जाओ भाई पूछ लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़की जवाब दे देगी तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जरा समझना। अब यहाँ पर अगर आप उससे पूछते हो कि क्या तुम्हारा कोई ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है या नहीं है, तो अगर लड़की को आप नहीं पसंद हो तो बोल देगी हाँ मेरा तो है। और उसके बाद अगर फ्रेंड आप ये सोचते हो कि नहीं लड़की अपनी इज्जत बचाएगी मेरे सामने, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप ये बात तक पूछ सकते हो, पर्सनल टॉक होती है कि लड़की के लाइफ में कोई ऑलरेडी चल रहा है या नहीं चल रहा, तो लड़की जवाब नहीं देने वाली। मगर इसके बजाय आप फ्रेंड बहाने से जरूर पूछ सकते हो। जी हाँ, बहाने से, जैसे कि फ्रेंड हमें किसी बात को निकलवाने के लिए किसी चीज का उपयोग करते हैं ना, लाइक कुछ वैसा। अब कैसे बहाना होता है, मैं दो तीन आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड ऐसा तो है नहीं कि पूरे वीक में वो नॉर्मली रहती होगी, नॉर्मली कपड़े ट्राई करती होगी या करती होगी, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कुछ नया ड्रेस ट्राई करती है या फिर कहा जाए कुछ नया चीज ट्राई करती है, नया कवर्स हो गया, नया फोन में सेल्फी या अपलोड करना हो गया, तो आप उससे नॉर्मली बोलोगे ओहो क्या बात है आजकल तो कुछ ज्यादा पोस्ट अपलोड हो रहा है, क्या बात है आजकल तो ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रेस पहन रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये फोन का कवर, अच्छा लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है, क्या बात है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा दिल वाला यार। अब लड़की यहाँ पर शाई हो जाएगी, लड़की शर्माने लग जाएगी, लड़की कहेगी ओ पागल ओ बुद्धू, ये ना मेरे पापा ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है, ये तो मैंने अपने सिस्टर से लिया है, और हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना, जो तू ज्यादा खैली पलाव पका रहा है तू, लाइक कुछ ऐसा। अब लड़की अगर यहाँ पर ज्यादा ही शर्मा जाती है, कुछ जवाब नहीं देती है, तो मतलब कि भाई उसका बॉयफ्रेंड तो है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, तो लड़की आपको बता देगी, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड हम अगली पॉइंट की। अगर आप उस लड़की से कॉलिंग पर बात करते हो, अगर आप उस लड़की से फ्रेंडशिप कर रखे हो, मिलकर भी बात कर लेते हो, और लड़की सच नहीं बता रही है कि उसका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एडवाइस ले सकते हैं उससे कि यार तुम्हें पता है मैंने क्लास से जाता हूँ ना, तो मैं किसी एक लड़की को देखता हूँ यार, वो लड़की ना मुझे देखकर स्माइल करती है, मतलब मुझे भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सोचता हूँ कि अपने दिल की बात उसे बता दूँ मगर बता नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आगे चल के बताऊँगा, ये बताऊँगा वो बताऊँगा, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही यार, मेरे को सिचुएशन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उस लड़की के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तब उसके बाद फ्रेंड अब आप उस लड़की से पूछोगे अच्छा मेरे को सुनना उसके साथ रिलेशनशिप करना चाहिए क्या, मेरे को उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना यार रिलेशनशिप में तो ये हो जाता है वो हो जाता है। अब अगर लड़की सिंगल होगी ना भाई, तो आपको भी एडवाइस करेगी अबे छोड़ना है ये सब, कोई चक्कर में मत पड़ा कर यार, ये सब चक्कर ना बहुत ही बेकार है, ये है वो है, तो इसका मतलब फ्रेंड वो लड़की अब सिंगल है, पहले थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, मगर अभी वो सिंगल है तभी वो इतने बुराई कर रही है। और अगर लड़की ऐसा कुछ नहीं कहती है, नहीं यार ठीक है अच्छी बात है यार, देख ऐसी बात नहीं होती कि हर रिलेशनशिप खराब ही हो जाता है, हर रिलेशन में यही होता है, रिलेशनशिप में प्यार हो तो सब कुछ चलता है, मिलते हैं सब, दूर भी रहना तो भी चलता है, ये वे एडवाइस देगी आपको कि ठीक है तू कर ले। और अगर लड़की यहाँ पे जेलस फील कर रही है कि तू क्यों रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, ज़्यादा खूबसूरत है क्या वो लड़की, तो मतलब कहीं ना कहीं वो लड़की आपको ही लाइक करती है भाई, इसके चलते उसको बुरा लग रहा है कि आप किसी और लड़की के पास क्यों जा रहे हो, है ना। तो फ्रेंड ऐसे भी आप पता लगा सकते हो कि वो लड़की रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है, ठीक है भाई। अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। आपको पता है फ्रेंड जिस लड़की के लाइफ में बॉयफ्रेंड होता है ना, वो लड़की जल्दी सैड नहीं होती है, जल्दी वो अकेले कहीं घूमने नहीं जाती है, ज्यादा इधर से उधर वो नहीं करती है चहल पहल, जब भी आप उसे देखोगे फ्रेंड तो ज्यादातर आप सैड देखोगे उसे, जब भी आप उसे देखोगे तो ज्यादातर अकेले देखोगे, कहीं पार्क में बैठी है तो अकेले, छत पर आई है तो अकेले, ज्यादा उसके दोस्त यार नहीं होंगे फ्रेंड, तो ये साइन बताता है कि लड़की सिंगल। अब अगर लड़की ज्यादातर खुश रहती हो, इधर से उधर घूमती रहती हो, बाहर ही जाती हो, कभी पार्क कभी कहाँ, अगर आपको पता चल जाता है कि ये तो भाई दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, जाती कहाँ ये, तो फ्रेंड थोड़ा सा शक तो आप कर ही सकते हो ना कि रीजन क्या है इसके इतना खुश होने का, तो मतलब फ्रेंड लाइफ में कुछ ऐसा हो, इसके दोस्त है जो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है फ्रेंड, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि वो लड़की सिंगल है या फिर नहीं है। अब देखो फ्रेंड इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपका दिल ना टूटे। दूसरी बात, बहुत सी लड़कियां मुझे कहती है कि सर मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी लड़के मेरे को जब फॉलो करते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, तो भाई ये चीज भी गलत होती है ना कि मतलब लड़की को जबरदस्ती आप राजी करवा रहे हो अपने प्यार के लिए, है। और अगर वो चलो मान लेते हैं कि उसने आपका प्यार एक्सेप्ट भी कर लिया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब उस लड़की ने उसको छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कल आपसे बेटर ना मिले उसे, सोचो भाई, मगर आप सोचते नहीं हो, तो कुछ ऐसा होता है फ्रेंड, ठीक है। और लड़की को अगर समझना और अच्छी तरीके से होता ना फ्रेंड कि वो अगर सिंगल है या फिर नहीं है, तो इसके टॉपिक के ऊपर तो फ्रेंड मैं बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है भाई। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देखो लाइक कर देना भाई, क्योंकि आप आज से लाइक नहीं करते हो। और किसी भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है kailashrai2.0। जी हाँ भाई मेरे, तो फॉलो जरूर करिएगा यार, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर रहे। और भाई देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, इंटरेस्टिंग बातें रही, तो उस पर जल्द ही वीडियो आ जाएगी। अब अगर एक ही सवाल को रिपीट करके आप बार बार पूछोगे तो बताओ भाई मैं ये क्या करूंगा, तुम ही बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आएगा ना कि यार जब इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो है
तब भी आप कह रहे हो कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सर मैं तो इसको पढ़ाना चाहता हूँ, सर मैं तो उसको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, सर ये सर वो, भाई थोड़ा वीडियो भी देख लो, थोड़ी आपकी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी, जो मन के अंदर जो शंका है ना वो क्लियर तरीके से कंप्लीट, मतलब जिसे कहते हैं ना सॉल्व हो जाना, लाइक कुछ ऐसा। तो आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई, और अगर मैंने आपको पकाया हो तो भाई सॉरी बोल रहा हूँ, बट यार देखो एजुकेशन वाली बातें थोड़ी पकाऊ टाइप की ही होती है, आपको मैं रियलिटी समझा रहा हूँ, तो ठीक है। और हाँ, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना फ्रेंड, और प्लीज़ यार दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर जरूर करना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ही लोग